अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है ना सेटअप पर आ गए, और माशाल्लाह भाई ये वाले चिक्स तो भाई बाहर आने के इतना ताड़ में लगे हुए कि बस बाहर निकाल दें, और वहाँ पता नहीं भाई क्या हो रहा है, दूसरे आपस में ना टकरे मारे जा रहे हैं भाई, इससे बिना मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती इन लोग की। अच्छा अभी ना मैं भाई ये जो है कबूतर का ना ये बॉक्स मैंने यहाँ पे लगाया, टोकरी जो है यार दुम्बे ना बार बार ना डेली का मैं देख रहा हूँ कबूतर की टोकरी ना दुम्बा जो है टक्कर मार के दांत से खींच के ना फेंक देता है और कबूतर खुल जाता है, और कबूतर को ना भाई हमारी मुर्गियाँ मारती हैं तो पूरा ना मतलब उसके पर पर सारे इतने सारे पर हो जाते हैं यहाँ पर ना, तो मैंने अभी मुर्गी के ऊपर रख दिया। अच्छा यार ये वाली मुर्गी तो भाई जो है नकली अंडों में बैठी हुई, चॉकलेट हमारी, और जिस बंदे ने हमें अंडों का बोला था ना यार वो अंडे तो अभी तक उसने ला के दिए नहीं, तो देखते हैं यार इसको क्या करना है। फिलहाल तो अभी बैठी हुई है, और वहाँ पर यार हमारी ना एक मुर्गी भी कुड़ुक हो गई, मैडम जो थी वो भी कुड़ुक हो गई है, मतलब कुड़ुक हुई नहीं है प्रॉपर, अभी वो अंडे दे रही है, 14 अंडे दे दिए उसने, अब देखते हैं और कितने अंडे देती है, कल तक देखेंगे। अगर कल उसने अंडा अगर नहीं दिया ना तो फिर इंशाल्लाह भाई उसको जो है कुड़ुक पे बिठा देंगे। वैसे उसके अंदर नीचे ना मैं एक नकली अंडे यहाँ से ले जाके रख के देख लेता हूँ कि भाई वो प्रॉपर कुड़ुक हो, फिर ही हम उसके नीचे ना अंडे रखेंगे। और फिलहाल यार मैंने ना इनकी दुम्बों की खोर है इस तरह मैंने कर दी है, क्योंकि यार ये ना आपस में बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे, तो ऐसे जो इनको खाने में भी ना आसानी रहेगी, और जो है ये आपस में ना लड़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, मस्तियाँ भी नहीं करेंगे, वरना यार बहुत आपस में लड़ लेंगे। तो फिर ना मैंने यही सोचा यार इनकी खोर जो है ऐसे कर देते हैं, और माशाल्लाह दोस्तों इनकी ना भाई खाने की ना लपक चेक कर सकते हैं, हमारा जो मसाला है ना हाजमे वाला माशाल्लाह वो इतना वर्क कर रहा है, देखें ये अपनी खोर भी नहीं छोड़ रहे, देख रहे हैं अपनी खोरों को भी चबा चबा के माशाल्लाह भाई जो है खाने में लगे हैं माशाल्लाह। वो जो हमारा जो हाजमा मसाला है ना भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब इफ़ेक्टिव है, बहुत ना इनके ऊपर माशाल्लाह असर कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं माशाल्लाह ये दाना वाना प्रॉपर अब खाने लग गए हैं, हर चीज़ मतलब प्रॉपर खाने लग गए, मतलब कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, वरना यार इतनी चीज़ें छोड़ने लग गए थे। तो फिर हमने जब ही ना इनका मसाला वगैरह स्टार्ट करवाया, और इंशाल्लाह भाई ये इन पर रिज़ल्ट आने शुरू हो गया है कि भाई इनकी भूख भूख सेट हो गई। अच्छा दोस्तों हमारे जो रैबिट्स ना भाई एक सुरंग बनाई है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें दोस्तों ये यहाँ से इन्होंने एक सुरंग बनाई है, जगह इनको मिल गई थी बस ये मस्तियाँ करने के लिए, इन्होंने यहाँ से इसे सुरंग बनाई है, और ये जो है ना यहाँ से निकल रही है, ये देखें इतनी बड़ी इन्होंने सुरंग बना ली है जो हमारे रैबिट्स हैं, क्योंकि इनको जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं से भाई के ये ना कहीं जाके भाई सुरंग वुरंग बनाए मट्टी वट्टी में, क्योंकि ऐसी जगह थी नहीं भाई, ये जगह थोड़ी ऊंची थी और ये पक्की भी हो गई थी थोड़ी, तो यहाँ पे इन्होंने सुरंग बना ली है। अच्छा भाई ये हमारे गिनी पिग्स को तो आपको पता है, हम तो दाना डाल रहे थे बस, यार पप्पा ने ना सुबह जो है इनको लुसन डाल दिया, तो उससे केज थोड़ा गंदा हो गया, पप्पा को ना बोलना पड़ेगा कि भाई इनको ना लुसन ना बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि यार केज ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इनका अभी तो फिलहाल। बाकी ये देखें रैबिट्स को सारे एक साथ यहाँ पे जो है बैठे हुए, ये सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, अभी आप देख सकते हैं। बस यार ये गंदे बहुत हो गए, इनके जो फर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, क्योंकि यार ये आपस में एक तो मस्तियाँ इतनी करते हैं, मिट्टी में घुसे रहते हैं, और ये डक्स और जो हमारी मुर्गियाँ ना वो इनके ऊपर शायद बीट वगैरह कर देती हैं, इस चक्कर में ये गंदे हो गए, क्योंकि ये ज़्यादा ना बाल वाले हैं आपको पता है तीन सारे माशाल्लाह। और देखें वो स्नो बैठा हुआ है नीचे, और ट्विंकल का है स्नो यहाँ पे स्नो है, ट्विंकल है, देखते हैं भाई दोस्तों पता नहीं ट्विंकल कहाँ है, ट्विंकल को देखता हूँ, बल्कि स्नो तो वो रहा ना, हाँ स्नो ये रहा, ट्विंकल कहाँ है, ट्विंकल है क्या वो पता नहीं, ट्विंकल बैठी है, हाँ ट्विंकल बाहर आओ तुम, पता लगेगा फिर तुम ट्विंकल हो कौन, चलो बाहर आओ, हाँ दोस्तों ट्विंकल है, ट्विंकल के अच्छा बाल आने लग गए ना हमें पता ही नहीं लग रहा भाई, ट्विंकल है स्नो माशाल्लाह, अब थोड़ी कवर होने लगी है ये, वरना भाई पूरी ही गंजी हो गई थी, इसको तो पता ही नहीं लग रहा है इसके बाल वालों का। बाकी चार बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक बच्चा वो अंदर सो रहा है माशाल्लाह, सारे भाई इसमें ना जो है स्नो के बराबर होने वाले हैं। और यार इनको मुझे ज़रा ना इनकी भाई चेक भी करना है मेल फीमेल का, क्योंकि मुझे अभी कन्फर्म ही नहीं है, हम पता है क्या करेंगे इसमें से जितने भी मेल होंगे ना हम मेल को यार सेल कर देंगे, सिर्फ ना फीमेल्स रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास मेल तो स्नो एक है ना हमारे पास, अगर देखेंगे इसमें से एक अगर कोई मेल रखना हुआ तो रख लेंगे, वरना भाई इसमें से सारे मेल ना सेल कर देंगे, सिर्फ हमें फीमेल्स ही रखनी है। और देखें ट्विंकल जो है वहाँ चले गई है, अब नीचे जाके बैठ गई है, और यार ये देखें हमारे दुम्बे को किस तरह मतलब खोर खाने में लगा हुआ है यार माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह ज़रूर बोला करें यार, वरना आपको पता है नज़र कितनी जल्दी लग जाती है हमारे ना जानवरों को,
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के बाद ये भाई सेट हुए हैं, तो इंशाल्लाह अब जो है इन पे रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। बाकी अब चल के ना ज़रा इनको लहसुन वगैरह दे देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। इनको लहसुन देंगे और मुर्गियों को भी देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यार लहसुन तो हमने अपने दुम्बों को डाल दिया था माशाल्लाह खाने में लगे हुए, और यहाँ मुर्गियों को भी डाल दिया था आपके सामने। बाकी वहाँ पे भाई हमने अपनी मुर्गियाँ खोल दी हैं, और लाल वाला मुर्गा ना फिलहाल यार हमने अपनी ये वाली मुर्गियों के साथ छोड़ दिया, क्योंकि यार हमारी मुर्गी के भाई अंडे पूरे हो चुके हैं मैडम के। अब वो मैंने उसके जो है केज में ना नकली अंडे डाल दिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि वो कुड़ुक हो तो फिर भाई उसके नीचे हम असली अंडे रखें। फिलहाल वो देखें मैंने उसके केज में अंदर ना नकली अंडे वो दो डाले हैं, आज तो इसने आखिरी अंडा दिया, 14 अंडे होगा इसके, अब देखते हैं। बाकी यार दोस्तों हमारा जो है ये ब्रूडर कंप्लीट तो हो गया था, हमने इसमें गिलास वगैरह भी लगवा दिया, मगर मसला ये आ रहा है कि इसमें ना टेम्परेचर ना बहुत हाई हो रहा है। तो भाई हम ये हमने इसके अंदर ना ये वाला हीटिंग एलिमेंट लगाया हुआ था 150 वाट का ना, तो इससे जो है टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हम टेम्परेचर कंट्रोल लाएँ इसका ना, तो इंशाल्लाह ये भी इसके अंदर सेट करेंगे, फिर जो है ना चिक्स को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट चिक्स को हमने शिफ्ट तो कर दिया था इसमें। अब मसला पता है क्या आ रहा था, चिक्स यार बहुत ना हीटअप हो रहे थे और उनको ना बहुत ना मतलब बॉडी से ना पसीने आने शुरू हो गए थे, तो फिर भाई उनको हमने निकाल के वापस ना अपनी मुर्गी के पास शिफ्ट कर दिया। अब जो है इसकी अब सेटिंग कर दी, अब इसके लिए हमें दोबारा से ना ड्रिल मशीन वगैरह का काम होगा, थोड़ा बहुत सुराख वगैरह करने होंगे, फिर उसके बाद जो है ये जो है अभी इसका होगा। बाकी अभी मैंने सारा ना ये पूरा खोल के रख दिया वापस, और जो है अभी हमारे पास पहले वो सेटिंग हो जाए इसकी प्रॉपर, फिर जो है इंशाल्लाह इसके अंदर लगा के हम अपना ना ये जो हमारा ये टेम्परेचर सोचे, ताकि ना टेम्परेचर भाई कंट्रोल रहे, और जो है हमारे चिक्स जो है ज़्यादा ना जो है इनको गर्मी ना लगे। मैं आपको दिखाऊं यार उनकी, ये देखें किस तरह हो गए थे, ये अजीब से ही हो गए थे, पता नहीं ये चिपक गए जल, मतलब इनके ऊपर ना इतने पसीने से आ गए थे हीटअप से, और इनके सारे जो पर हैं ना वो आपस में चिपक गए, अजीब से हो गए वो। खैर अब भी आहिस्ते आहिस्ते करके सेट हो जाएंगे सारे चिक्स, इसी वजह से यार हमने वापस ही ना अपने मुर्गियों के पास छोड़ दिया इनको। अब इंशाल्लाह एक दो दिन में देखते हैं टाइम निकाल के इसमें यहाँ कहीं सेटिंग करके ऊपर लगा देंगे, या तो मीटर ना इधर यहाँ पर, ताकि यहीं से इसका जो है थर्मोस्टेट चले जाए नीचे बल्ब के पास, और यहीं से बल्ब के कनेक्शन वगैरह सारे इसी जगह पे हो जाएं। तो देखते हैं जैसी भी सेटिंग होगी ना आपको करके दिखा देंगे। बाकी यार मैंने ना अपनी वही चॉकलेट को भी उठा दिया, अभी देखें मैंने इसकी टोकरी हटा दी यहाँ से ना, वरना टोकरी में ही जा रही थी बार बार बैठ रही थी, फ़ायदा नहीं यार अंडे हमारे पास आ रही है, इसको हमने बिठा के रखा हुआ कुड़ुक पे, इसका कुड़ुक तोड़ देते हैं, फ़ायदा हो नहीं रहा, इतने टाइम हो गया इसको बेचारी ही कुड़ुक पे बैठी हुई है। मेरे ख्याल से 25-26 दिन से ऊपर ही हो गए होंगे, बल्कि रातें हो गए होंगे जब भी मैंने यार इसकी ना टोकरी हटा दी है, और ये अभी बाहर घूम रही है, वरना ना इसको मैं टोकरी से निकाल लेता, टोकरी यहाँ रखी हुई थी, बार बार टोकरी में घुस रही थी, मैं टोकरी जो उठा के अभी वहाँ रख दी, क्योंकि हमें अपनी मैडम को भी बिठाना है एक दिन में, जैसी कुड़ुक होगी मैडम को इसी टोकरी में बिठा देंगे। और अब ना यार हमें एक एहतियात ज़रूर करनी है, जब भी मुर्गी को अपनी जैसे कुड़ुक पर बिठाएंगे ना, उसके अंदर जो भी जैसे घास वास रखेंगे उसके अंदर ना हमें कोपोएक्स पाउडर जो है छिड़कना है, ताकि यार कोई उसमें कीड़े वगैरह ना हो, जुएं वगैरह कुछ भी ना हो, क्योंकि हमने ये गलती कर दी थी चॉकलेट के में भी और ये वाली मुर्गी के में भी, क्योंकि हमने जो चॉकलेट के नीचे जो घास रखी थी ना, उस घास के अंदर यार चीचड़ हो गए थे इतने सारे ना, और वही चीचड़ हमारी जो चिक्सो लगे थे ना वो यहीं से लगे थे, हमें आइडिया नहीं था कि वो चॉकलेट की वो टोकरी के अंदर हैं। हमने तो बाद में अभी जब भी हमने उसकी टोकरी, ये वाली जो टोकरी है ना, ये हमने जब खाली करी ना चॉकलेट की, और इसके अंदर जो घास थी, घास और पेपर वगैरह लगे हुए थे यार, उसके अंदर इतने ज़्यादा चीचड़ थे ना कि मैं देख के खुद हैरान हो गया, हमारे चिक्स को जो है वहीं से लगे थे यार, हमें पता लग गया। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो हम जब भी मुर्गी को बिठाएंगे तो भाई उसके अंदर ना हम अपने कोपेक्स पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें डाल देंगे, ताकि अगर कोई कीड़े वगैरह, कोई चीचड़ या जुएँ वगैरह हमारी मुर्गियों को ना हो, और हमारी ना भाई सारी मुर्गियाँ इंशाल्लाह भाई सेफ रहेंगी फिर। और माशाल्लाह भाई हमारी ना लैला ने भी दोबारा से भाई अंडे देना शुरू कर दिए, और इंशाल्लाह भाई लैला की इंशाल्लाह दोबारा ना बहुत जल्दी ब्रीड आएगी। बाकी ये वाली ब्रीड तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे पास सेफ है, और अल्लाह करे बस ये हमारे पास यार सर्वाइव कर जाए, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से ये बच्चे हमारे पास ये वाले चिक्स, और इसमें से भी यार काफ़ी सारे चिक्स जो है मर चुके हैं, आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैं दो दिन से यार व्लॉग बना नहीं रहा था, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था यार मुझे ना व्लॉग बनाने का, जब भी मैंने बनाया नहीं। इसकी मेरे ख्याल से 3 या 4 चिक्स यार और मर चुके हैं इस वाली मुर्गी के ना, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं 6 बच्चे या 7 बच्चे, मुझे आइडिया नहीं है, सही से गिने भी नहीं है मैंने, क्योंकि मैं याद नहीं था, एक दिन 2 मरे, एक दिन 1 मरा, एक दिन 1 मरा, इस तरह करके 3-4 चिक्स और मर चुके हैं।
तो इंशाल्लाह यार देखते हैं बाकी की चिक सरवाइव करते हैं या नहीं करते, तो भाई अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। बाकी तो यार अभी फिर वाला मुर्गा माशाल्लाह हमारा भाई बहुत ना खूबसूरत हो रहा है और बिल्कुल ना आप देख सकते हैं शाइनी शाइनी, और माशाल्लाह इसने अपने आप को फुल ना कवर कर लिया है। बस ये थोड़ा अगर केजीस वगैरह में मुर्गियों के साथ रहता तो वो कुरीज में चले जाता, क्योंकि आपको पता मुर्गियाँ वगैरह जो हैं इनके पर वगैरह नोचती हैं। फ़िलहाल तो अभी माशाल्लाह सेट है, और ना ये बड़ा ही मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और इसकी आँखें अगर मैं दिखाऊँ ना किसी ने मुझे आपको ना पकड़ के इसकी आँखों का शौक कराना पड़ेगा। इसकी भाई आँखें ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्रेसिव आँखें हैं, जो लोग पसंद करते हैं ना वो वाली आँखें, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी तो यार अभी मैं इनको ज़रा पानी वगैरह चेंज कर दूँ मुर्गियों का ना, इनका पानी ज़रा ख़राब हो गया, और फीड वगैरह भी डाल दूँ, क्योंकि ये लुसन तो ये खाते नहीं, दिख रहे कितने इन्होंने लुसन बचाया है। और रैबिट्स वहाँ जाए वहाँ जाके ना जो है बैठ गए, और जो हमारे दुम्बे जो गिरा रहे हैं ना सारा लहसुन वो खा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इनको लहसुन डाला हुआ ये नहीं खा रहे, तो वहाँ से जाके लहसुन खाते हैं। चलें ज़रा मैं इनका यार पानी वगैरह चेंज करता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे सारे दुम्बों ने सारे बर्ड ने भाई दाना पानी कर लिया, ठीक है ना, और यहाँ की भाई सफाई भी हो चुकी है। तो यार दोस्तों व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।